कीर्तन uh, यूजुअली uh, हम फाइनेंशियल uh, प्लानिंग में कॉस्ट ऑफ डिले की बात करते हैं जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत करेंगे उतना कंपाउंडिंग का फायदा होगा जितना देरी से आप जितना देर करेंगे उतना ज्यादा आपकी वेल्थ आपको बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा जरा समझाएंगे कॉस्ट ऑफ डिले क्या है uh, स्वाति जी जैसे कहा जाता है कंपाउंडिंग इज द एथ वर्ल्ड यानी अगर जेनजी समझ जाएंगे तो बहुत वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि सिंपल uh, लैंग्वेज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट uh, हर पांच साल से डिले करने पे आपको दुगना पैसा निवेश करना पड़ेगा हर पांच साल का डिले मतलब आपको सेम गोल लक्ष्य अचीव करने के लिए दुगना पैसा निवेश करना पड़ेगा एक एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए अगर आप बीस साल की उम्र में स्टार्ट कर देते पैसा अक्यूमुलेट करना और आपका टारगेट है कि आप पांच करोड़ रुपए कर पाए साठ साल तक तो बारह परसेंट के हिसाब से आपको तकरीबन दो सौ रुपया आ, हर महीने की पड़े, के लक्ष्य के लिए साठवें साल पे और बारह परसेंट की आई पे अगर पच्चीसवे साल पे चालू करें तो चार हजार दो सौ की जगह पे आपको सात हजार सात सौ रुपया निवेश करना पड़ेगा अगर आप तीस पे चालू करें तो सात हजार की जगह पे चौदह हजार दो सौ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पैंतीस पे करेंगे तो आपको छब्बीस हजार करना पड़ेगा इसीलिए आप जितना जल्दी निवेश स्टार्ट करेंगे उतना कम पैसा आपको रोकना पड़ेगा उसी लक्ष्य को पहुंचने के लिए सिंपल मैथ याद रखे हर पांच साल का डीले आपको एस दुगनी करनी पड़ेगी उसी गोल को रीच करने के